हो गया? पूरी रात की सोना पारी में पर तन्ने के फर्क पड़ा है, पूरी रात के तेरे तो खराटे चल रहे हैं, कर कर कर, तेरे तो ब्याह करके मेरी जिंदगी बर्बाद होगी, तलाक चाहिए मन्ने। तलाक? हाँ तलाक। पर मैं तो प्यार करूँ ना तेरे ते। प्यार करे? पूरी रात ना सो पाती तेरे खराटे की वजह से। खराटे? इनका इलाज करा ले कि तो झाड़ा लगवा ले। पर मैं खराटे लेता कौन है? वाह लो जनाब ने न्यू है नहीं मेरा, जनाब खराटे लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। अरे तने शर्म आनी चाहिए, अरे तू जलील करा है मने, हैं? अरे छोरी छेड़ता अंडे, हमने जिंदगी में प्योर देसी घी की मिठाई बनाई, कदे अपनी जिंदगी में लांछन नहीं लगन दी, और तू करवाओगा यो काम, हर डूब के मर जा तू, कड़ी तो चले जा रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मैं रणसिंह पवार, आज आप हरियाणा केसरी से रूबरू करवाएंगे, और हरियाणा केसरी को ऐसे ही नहीं बन जाता, खाड़े के अंदर बहुत सारे डंड पेलने पड़ते हैं, बहुत सारा दूध शुद्ध पीना पड़ता है, बादाम खाने पड़ते हैं, तब जा करके हरियाणा केसरी, और ये मिट्टी हरियाणा की पहलवानों की धरती है, और इसके ऊपर बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहलवान तैयार हुए। तो आज आपको एक ऐसे हरियाणा केसरी से मिलवाने जा रहे हैं, हरियाणा केसरी जो बताएंगे कि किस तरह से हरियाणा केसरी बनने की जदोजहद, एक चौपाल ऐप के ऊपर आपकी सीरीज वेब सीरीज आ रही है हरियाणा केसरी। तो आज हरियाणा केसरी के तमाम कलाकारों से मिलाने की कोशिश करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। तो दोस्तों आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पहले तो परिचय प्राप्त करेंगे। हाँ जी नमस्कार, मैं राखी लोचा। हाँ जी नमस्कार जी, राम राम, मैं दीपक हुड्डा। राम राम जी, मैं नवीन उल्याण। राम राम जी, मैं सुमित धनखड़। तो तमाम हरियाणवी सीरीज चौपाल पे जो रिलीज होने जा रही है हरियाणा केसरी, तो उसके कलाकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साझा करते हैं इनसे इनके जो अनुभव है हरियाणा केसरी के लेकर के। तो पहले तो हमारे साथ में दीपक हुड्डा जी जुड़े हुए हैं जो कि मेन किरदार निभा रहे हैं हरियाणा केसरी के अंदर। तो क्या कहना चाहेंगे, हरियाणा केसरी जो आ रही है आपकी वेब सीरीज, बहुत सारी वेब सीरीज में आपने काम किया, हरियाणा केसरी में काम करके कैसा लगा? जी हरियाणा केसरी वेब सीरीज मतलब एज ए डायरेक्टर राइटर मैंने बनाई है, और जब ये हरियाणा केसरी टाइटल जब मैंने रखा था तो मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल था मुझे खुद को एक पहलवान दिखाना, तो मैंने उस जोनर की एक अपनी फिटनेस बनाई जो बोलते हैं हरियाणा में, और फिर मैंने ट्रेनिंग भी ली है, एक पहलवान जो कुश्ती करता है, रस्सा चढ़ना, कुश्ती करना, ये सारे दाव पे छिके, तब जाके मैं एक हरियाणा वेब सीरीज के किरदार में आ पाया हूँ हरियाणा केसरी के। तो हरियाणा केसरी मान लो आपने बनाई तो कहीं ना कहीं पहलवानों से या खिलाड़ियों से रूबरू रहे हैं, कोई ना कोई उनका दुख साझा दर्द जो आपने महसूस किया उसको लेकर के क्या, किस ये स्टोरी जो लिखने का जो आइडिया है? देखो ये स्टोरी लिखने का एक आइडिया वहाँ से मिला था मुझे, इसमें या हरियाणा केसरी वेब सीरीज में दो स्टोरी मिक्स है, एक तो पहलवान की स्टोरी है और उसी लड़के के दो सपने होते हैं ना कि भाई ठीक है मैं पहलवान बनूंगा तो सरकारी नौकरी मिलेगी और छोकरी मिलेगी, तो उसको लाइफ में एक सच्चा प्यार पाना है और दूसरा हरियाणा केसरी का खिताब जीतना है। और आप बाकी आप बातें राखी जी से कर सकते हो, मतलब मेन जो किरदार राखी जी ने मेरे अपोजिट निभाया, ये काफ़ी अच्छी टैलेंटेड एक्टर्स हैं। राखी लोचप जी हमारे साथ जुड़े हुए, इनसे भी बात करें। राखी जी आपने हरियाणा केसरी के अंदर काम किया और बड़ा अच्छा अभिनय आपने किया है उसके अंदर, एक फैमिली जो समस्याएं हैं देश की जो बिखर जाते हैं किसी ने कारण परिवार, उनको भी बखूबी दिखाया। हाँ जी इसमें बस एक छोटी सी समस्या है, मतलब जब मैं इनकी पत्नी बनती हूँ शादी के बाद, कि ये बस रात को खराटे लेते हैं और उन खराटों की वजह से मैं सो ना पाती रात में, तो बस वह इनोक जोक दिखा रखी है, एक एंटरटेनमेंट पर्पज है, बाकी मोटिवेशनल वेब सीरीज है, एक मैसेज है और एंटरटेनमेंट भी पूरा है, तो कॉमेडी भी पूरी मिलेगी आपने, तो यही है इसमें जी। आपका भी किरदार जो है बताइए। हाँ जी दोस्तों राम राम, मेरा किरदार इसमें है उदय जो दीपक हुड्डा जी हैं, ये मेन हीरो हैं, इनके फादर का मेरा किरदार है, और एक भाई अपने हरियाणा में तेनु कहा करें कि जो बाप हो है उसके सिर पर सारी जिम्मेवारी हो है, अजी के बालक बड्डे हो जाए उन्हें तो और भी चिंता हो जाए, तो इसमें मैं चाहता हूँ कि ये मेरे साथ लग गए मेरे दुकान पर कि मैं काम कुम करावे, लक्षण लग गए कि मैं ठीक ठाक रहे, पर ये इसके अपने सपने हैं, ये उन सपने ने पूरे करण खातर मेरा आगे झूठ भी बोल दे है, लाग्या रहे है
फिर इसका एक सपना टूट गया है, दूसरे सपने ने साकार करने खातिर मेहनत करे है और वह मेहनत इसकी सफल हो जाए है, हम भी सुखी हो जाए हैं, सुख शांति तो अपना जीवन काटा है। पूरी पारिवारिक फिल्म है, इसमें तो हमने गंदर गन बिल्कुल काट दिए, कोई रोड़ा रबदा नहीं, शांति से बैठ के पूरे परिवार के लिए चौपाल ऐप ने डाउनलोड करो, सब्सक्राइब करो और उसने देखो सारा कुणबा ठाठते बैठ के ने। मैंने पहले मैं सलमान खान का बाबू बने सुल्तान फिल्म में, बड़ा शौक है पहलवाना का बाबू बनने का और कोई सा भी पहलवान और बाबू बनवाना चाहता तो मैं तैयार हूँ। दूसरे संग्राम सिंह की गेला करी, पहले महीने आई है उड़ान जिंदगी की, वो भी चौपाल ऐप आई है, उसमें भी उनका फादर था ईब दीपक हुड्डा का। तो ये किरदार भाई मारी तो उम्र होली, हमने तो इसे किरदार मिल लेंगे, लेकिन एक अहम रोल हो जाता है बाप अपने बच्चों को कैसे कामयाब करता है और बालक लायक लिकड़े ठीक ठाक ये बढ़ गया गए, इनने जिंदगी में बहुत कुछ दिया, सुख शांति प्यार प्रेम। तो भाई चौपाल ऐप ने डाउनलोड करो और फिल्म वेब सीरीज ने देखो ठाट पे। भाई जिनकी संगत हो ना, संगत का रंग जरूर चढ़िया करे, तो पहलवान हरियाणा केसरी बनने के लिए चले तो कुछ ना कुछ मित्रों का भी सहयोग रहा होगा आपके दोस्तों का, तो हमारे एक साथी हैं इनसे भी बात कर लेते हैं, परिचय कराते हुए बता। राम राम जी, मैं सुमित धनखड़ और मैं इस फिल्म में सोनू का करेक्टर कर रहा हूँ, उदय का दोस्त का, जो लीड हीरो है उसका दोस्त का, और इसमें जो पहलवान बनने की कोशिश करी है ना वो आइडिया मेरा ही था। मैंने कही थी जब भाई साहब ने प्रैक्टिस शुरू करी, तो बाकी चीज़ तो आप फिल्म देखोगे जदे बेरा पट्टगा, एक पारिवारिक फैमिली ड्रामा है बहुत बढ़िया, जिसमें राखी लोचा एक बढ़िया आर्टिस्ट हैं, आपने एंटरटेन कर रही हैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी, यूट्यूब पर काफ़ी सालों से, तो आप देखोगे बहुत बढ़िया मज़ा होगा इस फिल्म में देखने में। धन्यवाद। तो दोस्तों चौपाल ऐप के ऊपर हरियाणवी केसरी का जो वेब सीरीज आ रही है लॉन्च हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं सब्सक्राइब करके, तमाम जो कलाकार हैं उसके उनसे आपको बैठ करके रूबरू करवा दिया, और कैसी लगी आपको ये वेब सीरीज वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अपने जो दोस्त हैं नियर डियर हैं उनको भी कहें चौपाल ऐप के ऊपर जो है ये वेब सीरीज देखना ना भूले। बने रहिए PM Info News से, मैं रण सिंह पवार।